फहमीदा अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे उड़द कीमा, जिसके लिए हमने यह 300 ग्राम कीमा ले लिया है। ये 2 चम्मच लहसुन प्याज है और ये 1 चम्मच धनिया है, आधी चम्मच मिर्च, 1 आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा तेल है जो इसके अंदर डाल देंगे। गैस ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें यह कीमा डाल देंगे, इधर अदरक लहसुन प्याज डाल देंगे और ये मसाले डाल देंगे और थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें हम सीटी लगा देंगे और 4-5 सीटी लगाने के बाद बंद कर देंगे। हमारा कीमा होता है जब तक हम ये उड़द तैयार कर लेते हैं और इनको गला लेते हैं। ये हमारे उड़द हैं 400 ग्राम और ये मसाला है, ये अदरक है थोड़ा सा, 5-6 मिर्च हैं, ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये हरा धनिया, ये भगार के लिए प्याज और जीरा है, ये डालने के लिए गर्म मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सौंफ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी का मसाले डाल रहे हैं। अब हम इसमें 1 बोल भर कर पानी का डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं, आधा बॉल और डाल रहे हैं ताकि हमारे उड़द अच्छी तरह गल सक सके। थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं जिससे ये बाहर ना निकले और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रहे हैं। बस अब हम इसमें सीटी लगा देंगे, इसमें कम से कम 6-7 सीटी लगाएंगे तेज आँच पे। चलिए हमने गैस बंद कर दिया था और इसको इसी की भाप में छोड़ देता है। अब देखते हैं ये गल कैसा है। देखिए ये भुन चुका है, थोड़ा सा और भून देंगे इसको, गल भी गया है। 6-7 सीटी हमने इसमें लगा दी है, ये भी हमारे गल चुके हैं। अब कीमा और उड़द हम दोनों मिक्स कर देंगे और फिर पकाएंगे। देखिए अच्छे से भून चुका है और गल भी चुका है। अब हम इसे उड़द में मिला देंगे, इसको एक साइड रखते हैं और उड़द खोल। ये देखिए हमारे उड़द हो गए हैं। अब हम इसमें कीमा डाल रहे हैं, ये हमने अच्छे से मिला दिए हैं। अब इसमें हम हरी मिर्ची डाल रहे हैं, ये अदरक भी डाल रहे हैं, ये गरम मसाला डाल रहे हैं। इनको कुछ देर के लिए पकने देंगे। ये थोड़ा सा कुकर में हमने मिला के मसाला खंगाल के पानी डाल दिया है, थोड़े गाढ़े लगाए थे हमें चावल के साथ। अब हम इन्हें अच्छे से पकाएंगे, खूब खद्दा लगा देंगे और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारे हमने 2-3 मिनट पका लिए हैं और हमारे उड़द बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें छौंक लगा देंगे। अब इसके लिए हम तड़का लगाते हैं और 1 बड़ा चम्मच लगभग तेल का डाल देते हैं। गर्म हो गया अच्छे से, और हम इसमें जीरा डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, जब तक सुनहरा होगा इसको हिला के रहेंगे। अगर हो चुका है उसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे तो तैयार है। इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इनको सर्व कर लेंगे। चलिए हमारे उड़द बिल्कुल तैयार है, अब इन्हें इसमें निकाल लेते हैं। हमारा उड़द इनको आप रोटी से खाएं, चावल के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, आप भी बनाएं और हमें बताएं। अल्लाह हाफिज़।